हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सीरीज नंबर 2, जो आपका रोजाना हम लोग अभ्यास प्रश्न डिस्कस करते हैं, आपका जो झारखंड सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स आधारित है झारखंड स्पेसिफिक, उससे संबंधित हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब तक हमने आपको एक सीरीज प्रोवाइड किया था, आज आपका दूसरा सीरीज है जिसमें कि हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एक से एक करके। हमारी स्टडी मटेरियल जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन के लिए उपलब्ध है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसका आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके या फिर ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध कराया जाता है। आज के सेशन का पहला जो प्रश्न है आपका, वह है आपका 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का प्रारंभ किया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? जैसा कि हमने आपको एक वीडियो ही बनाया था बिरसा हरित ग्राम योजना पर, जो कि आपका 4 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था, तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि चार ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें कौन सा कथन जो है आपका इस योजना से संबंधित सही नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जब भी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड होते हैं और जो आपको क्वेश्चंस में प्रश्न में पूछा जा रहा है उसको आपको सही से समझना है। कीवर्ड जैसे कि यहाँ पर है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, और इस योजना से संबंधित जो तथ्य यहाँ पर दिए हुए उसमें से गलत तथ्य सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग रीड करते हैं। पहला है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना ग्रामीण विकास द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है आपका, इसे हमने आपको बताया भी था। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधे का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। इस योजना का मेन पर्पस ही था हर परिवार, जो 5 लाख परिवार का चयन किया जाएगा और उन्हें 100-100 फलदार पौधे दिए जाएंगे लगाने के लिए। और साथ ही आपका तीसरा पॉइंट है आपका पौधेरोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है, बिल्कुल सही आपका। अब चूंकि परिवार इसमें अपना लगा रहे हैं, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो आखिर ये फलदार पौधे होंगे, तो आने वाले 3 साल में उम्मीद है कि आपका 50,000 वार्षिक आपको आमदनी होगी सिर्फ इन पौधों से। और फोर्थ है आपका इस योजना के तहत राज्य भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपको अलग से हम कुछ नहीं बता रहे हैं, स्टेटमेंट 2 आप देख लीजिएगा। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधे लगाने हैं। अगर हम देखें 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 से, तो ये आपका अप्रोक्स 5 करोड़ रुपीज आएगा, 5 करोड़ पौधे आपको लगाने हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 10 करोड़ पौधे लगाने, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है आपका। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर डी होगा, चूंकि यहाँ पर डी गलत तथ्य है, सही नहीं है बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी, परीक्षा माहौल में भी इसी तरह से प्रश्न को सॉल्व करने होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ ग्रामीण विकास द्वारा संचालित है। दूसरा है आपका इस योजना के अंतर्गत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें बुजुर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, केवल एक और दो दोनों, या फिर दोनों कथन गलत है। तो जैसा कि आपको पता है, ये भी पूछा गया है, जो प्रश्न आपका बिरसा हरित ग्राम योजना पर ही पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न आपको हर चीज, आप अगर अच्छे से स्टडी किए हुए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को ये बढ़ाता भी है और साथ ही सोचने की क्षमता भी इंक्रीज करता है कि हाँ, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आज के जो एग्जामिनेशन हॉल है या फिर जेपीएससी हो, चाहे अन्य परीक्षा हो, वहां पर इस तरह का ट्रेंड देखा जाता है, जो नए पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आप देखिएगा जेपीएससी का मेंस का पिछला पेपर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं प्रश्न, तो हम उसे सॉल्व क्यों करेंगे। एक चीज बताना चाहेंगे कि आप इससे
ये शंका से दूर हो जाइए क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी मेंस एग्जाम में भी आपका हर पेपर में जीएस पेपर में 20-20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी थे जो छठा जेपीएससी हुआ, और इसी तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे, मतलब कि उनका लेवल डिफिकल्ट लेवल का था। हो सकता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, और आने वाले दिनों में भी अगर प्रारंभिक परीक्षा होती तो उसमें भी पूछे जाने के चांसेस है, और अपने आप में भी हमें इस तरह से स्ट्रांग होके जाना है कि वहां पर किसी भी तरह के, चाहे स्टेटमेंट टाइप के या फिर सिंगल या फिर कथन टाइप के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सके। इसीलिए हम ये सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका लेवल ही तैयारी का डिफिकल्ट लेवल है तो आपको इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर देखिएगा, जो आपका बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था, उसका अनाउंस जो किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था, और ये सारी योजनाएं, जो तीन योजनाएं घोषित की गई थी, वो सारे के सारे ग्राम विकास विभाग द्वारा ही संचालित है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है आपका। इसमें जितने भी, जैसा कि आपको पता है, 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधे लगाने हैं, क्लियर है, और जिसमें कि सबसे पहले जो प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ऐसे तो इसमें हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सही उत्तर इसका होगा आपका यहाँ पर सी, दोनों कथन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, 4 मई 2020 को किस राज्य में जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख लीटर जल की वृद्धि करने हेतु लीनाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। हर एक प्रश्न में आपको टाइम मिलता है 5 सेकेंड में, आप पॉज कर लीजिए, उसका आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया, 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था, और उसी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के तहत 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया था, जिसमें एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है, जिसका लक्ष्य था कि आने वाले दिनों में 5 लाख करोड़ लीटर की जल की वृद्धि की जाएगी, खासकर गढ़वा, पलामू, लातेहार, जहां पर सूखा बहुत सालों से पड़ती आ रहा है। तो ये आपका लीनाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका यहाँ पर भी होगा झारखंड। प्रश्न संख्या 4 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, झारखंड सरकार ने राज्य के 55 प्रखंडों को सूखा ग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 7 जिलों में 17 प्रखंडों को अति सुखाड़ एवं 38 को सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, फिर वही तरह अपना लॉजिक लगाना है, स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हड़बड़ान नहीं है कि इस तरह के प्रश्न आगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे, और जितना हमारे पास कॉन्सेप्ट है उतना ही से, अलग से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। हाल ही में झारखंड सरकार ने, इसी मंथ में आपका झारखंड सरकार ने सूखा ग्रस्त जो प्रखंड है उनकी सूची जारी की है, जिसमें कि कुल 55 प्रखंड को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो पहला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसमें से कुछ, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे जिले मिलेंगे, प्रखंड मिलेंगे, जहां पर सुखाड़ का, जो अकाल का प्रकोप है, ज्यादा होता है और कहीं पर कम होता है। तो ऐसे जहां पर, ऐसे प्रखंड जहां पर सुखाड़ का ज्यादा असर देखा गया, वो कुल 17 प्रखंड थे 7 जिलों में, और बाकी के 38 प्रखंड थे जो आपको सुखाड़ के श्रेणी में रखा गया है, अति सुखाड़ और सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है। तो दोनों कथन आपका यहाँ पर सही है,
राइट आंसर जो होगा आपका यहां पर सी होगा, 1 और 2। पांचवा प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रारंभ की गई वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सभी पंचायतों सहित राज्य भर में कितने खेल के मैदानों का निर्माण करेगी। पहला ऑप्शन है 2000, 5000, 10000, 1000। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर कमेंट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि जैसा कि हमने इनिशियल से बता रहे हैं, आज हम लोग सिर्फ जो नई योजनाएं हैं या फिर जो नई घोषणाएं हैं फरवरी में, उस पर ही हम लोग अमल कर रहे हैं करंट अफेयर्स पर। तो आप देखिएगा, 4 मई 2020 को मुख्यमंत्री के द्वारा तीन योजनाओं का घोषणा किया गया था, जिसमें कि एक आपका शहीद पोटो हो खेल विकास योजना था। इसके तहत जितने भी राज्य के युवक युवतियां हैं उनके खेल को और भी ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, और भी सुविधा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। पोटो हो कौन थे? तो एक आपका स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिनके बारे में आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए था। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे फैसिलिटी है जो कि झारखंड वासियों को दिए जाएंगे, और इसके अंतर्गत कुल 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी होगा, 5000। प्रश्न संख्या 6 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया हुआ है। पहला, लीनाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ लीटर सतही जल स्रोत की वृद्धि की जाएगी। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, योजना विशेष तौर पर गढ़वा लातेहार पलामू का जिक्र करते हुए ऐसी क्षेत्रों का इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। मतलब कि जो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है उसके तहत गढ़वा लातेहार पलामू का वहां पर इस योजना का पूरा लाभ देने का कोशिश किया जाएगा। अगर हम बात करें लीनाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का, तो दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सॉरी यहां पर आपका अगर हम बात करें लीनाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत, पहला स्टेटमेंट देखिएगा, लीनाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के माध्यम से 10 लाख लीटर सतही जल स्रोत का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका, योजना विशेष तौर पर गढ़वा लातेहार पलामू का उसमें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस योजना में, अभी जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताया भी था आपको कि इस योजना के अंतर्गत ज्यादातर जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये लीनाम्बर पीताम्बर के नाम पर योजना प्रारंभ की गई है, तो इससे ज्यादा गढ़वा लातेहार पलामू जहां पर अकाल वगैरह का स्थिति देखिएगा बहुत सालों से बहुत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए वहां पर इस योजना का लाभ देने की कोशिश किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख करोड़ लीटर सतही जल स्रोतों की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, न कि 10 लाख। तो इसमें आपका पहला जो कथन है वो आपका गलत है, क्योंकि यहां पर 10 लाख करोड़ लीटर दिया हुआ है, जो कि यहां पर सही आपका 5 लाख होता। और दूसरा कथन जो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा गढ़वा लातेहार और पलामू को मिलेगा, इसीलिए आपका यहाँ पर दूसरा कथन सही है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बी होगा, केवल दूसरा कथन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके आज के सेशन का, कोरोना वायरस को देखते हुए शिक्षा परियोजना परिषद और दूरदर्शन के बीच हुए समझौते के तहत आने वाले कितने दिनों तक पढ़ाई जाएगी। पहला आपका 2 माह 3 माह 1 माह 6 माह। आपको पता है अभी कोविड-19 का भी झारखंड पर अच्छा खासा असर देखा जा रहा है, बहुत सारे यहां पर भी पेशेंट मिल रहे हैं और पूरे लॉकडाउन है पूरे राज्य में देश भर के साथ ही। तो और आने वाले दिनों में और भी उम्मीद की जा रही कि एक लॉकडाउन और भी इंक्रीज करेगा। तो इसी को देखते हुए झारखंड के जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा परियोजना परिषद और दूरदर्शन चैनल, इनके बीच में एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत आने वाले एक महीने तक ऑनलाइन या फिर जो टीवी चैनल है उनके माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका यहां पर आपका सी होगा, 1 माह तक के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण अगले 1 माह तक, जिसमें कि आपका 11 मई से ये प्रारंभ हुआ है,
ये 11 मई से प्रारंभ हुआ है, 10 जून को ये खत्म होगा। जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं को की कक्षाएं दूरदर्शन पर भी ऑनलाइन चलेगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार डिजिटल कंटेंट का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा 11 मई से 10 जून एक महीने तक के लिए। आठवां प्रश्न है आज के सेशन का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में पान गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा है आपका, पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, कीवर्ड आपके लिए यहां पर सही फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग स्टेटमेंट को रीड करते हैं, आई होप आपने अपना आंसर दिया होगा। अब चलिए इसमें डिस्कस करते हैं, पहला कथन को देखते हैं। पहला कथन आप देखिएगा, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा इसी महीने में आपका, चूंकि पान गुटखा जो पहले से ही आपका यहाँ पर बहुत जगह खाते हैं, इसका आप सेवन करते हैं, तो कहीं पर भी थूकना सार्वजनिक क्षेत्र पर या फिर सार्वजनिक प्लेस पर थूकना मना था, उसे आपको जुर्म भी लगाया गया था। लेकिन बाद में और भी चीजों को कड़ाई की गई, प्रतिबंधित किया गया कोविड-19 को देखते हुए, जिसका असर आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य पर भी पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में जब सैंपल लिया गया, बहुत सारे जो पान मसाला मार्केट में बेचे जा रहे थे तो उनका सैंपल लिया गया, सैंपल लिया गया तो राज्य सरकार के द्वारा जब उसे चेक किया गया तो उसमें एक प्रतिबंधित पदार्थ था, जो फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अनुसार इस एक्ट में, इस अधिनियम में, बिल में ये नियम बनाया गया था कि पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं मिला होना चाहिए था, प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन 41 पान मसाला का जो कंपनियां थी उनके चेक किया गया था, जिसमें से 11 में ये प्रतिबंधित पदार्थ मिला था। इस वजह से राज्य सरकार ने आने वाले एक साल के लिए इसे पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर दिया, ना आप बिक्री कर सकते हैं और ना ही इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला भी कथन बिल्कुल सही है और दूसरा भी कथन सही है। एग्जाम में क्या यही तरह से प्रश्न आएंगे, ये भी आ सकता है या फिर अन्य तरह से भी पूछा जा सकता है। वो आपको स्टेटमेंट टाइप के डायरेक्ट पूछेंगे, कितने साल के लिए आपका बंद कराया गया है, किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत ये प्रतिबंधित पदार्थ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो प्रतिबंधित पदार्थ है, किस अधिनियम के तहत आखिर ऐसा राज्य सरकार ने फैसला लिया है। क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई किया जाता है किसी लॉ के तहत, किसी नियम के तहत ही कार्रवाई होती है। आज के डेट में वो सारे प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपका। तो कथन वन और कथन दो दोनों सही है आपका, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पहले चरण के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जाएंगे। जब योजना को प्रारंभ किया गया था तो उसके बारे में वहां पर यह नहीं बताया गया था कि कितने पौधे लगाए जाने हैं, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसको क्लियर भी किया था, आने वाले दिनों में ये सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा बात है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं भी है तो हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ। 40 लाख है, 50 लाख है, 20 लाख है और 10 लाख है। आपको बता दें, बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि 4 मई को प्रारंभ किया गया था, तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसका पूरा बायोडाटा या फिर जो इसका पूरा कंप्लीट नोटिस है कुछ दिनों बाद जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 5 सालों तक ये चलेगा आपका। तो 5 सालों तक इस योजना को क्रमवार तरीके से चलाना है, जिसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद फिर एनालिसिस किया जाएगा, वो बाद का बात है। अब पहले वर्ष में ये निर्णय लिया गया कि आने वाले जो दिनों में आपका, पहले वर्ष में आपका 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधे लगाने हैं, मतलब कि 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें कि पहले वर्ष में 40 लाख पौधे लगाए जाने का ये डिसीजन लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ये 40 लाख, पहले वर्ष पूरे राज्य में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और इस मद में श्रम एवं संसाधन पर एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि खर्च कितने होंगे पहले साल में, तो 660 करोड़ रुपए व्यय खर्चे किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और अनुमान लगाया गया है कि पहले 3 वर्ष 3 करोड़ रुपए
सॉरी 3 करोड़ मानव कार्य दिवस रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि ये मनरेगा के तहत ही संचालित है। इसमें 25 करोड़ मानव कार्य दिवस के अंतर्गत इसे जोड़ा जाना है, जिसमें कि पहले वर्ष में उम्मीद की जा रही है कि 3 करोड़ मानव कार्य दिवस रोजगार का सृजन होगा। प्रश्न संख्या 10 है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना मनरेगा अंतर्गत संचालित योजना के पहले साल 5 लाख हेक्टेयर भूमि का ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा कथन है आपका, खेत का पानी खेत में रोकने के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए औसतन 200 हेक्टेयर का टास्क तय किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, योजना का उद्देश्य वर्षा जल के बहाव को कम करना, वर्षा जल का संरक्षण करना, जल में नमी की मात्रा को बढ़ाना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है वो आपको बताना है। तो इसे पॉज कीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो हमने प्रोवाइड भी किया था आपको वीडियो में, कि आपका जो योजना प्रारंभ किया गया था उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया था। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही आपका राज्य सरकार ने जो नीलांबर पीताम्बर योजना है उसके बारे में पूरा डाटा लाया था, नोटिस लाया था, जिसके अंतर्गत पहले चरण में, चूंकि ये बहुत सारे सालों के साथ मिलाकर बहुत सारे ईयर्स के साथ इसे कंप्लीट कराए जाने का प्रावधान किया गया है। अब पहले चरण में, पहले साल में क्या किया जाएगा, तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि का ट्रीटमेंट किया जाएगा पहले साल में। दूसरे आपका जो स्टेटमेंट है, पहला तो बिल्कुल सही है आपका, दूसरा है आपका, तो खेत के पानी को खेत में रोकने के लिए इसके लिए प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत के औसतन 200 हेक्टेयर का टास्क तय किया गया है। हर पंचायत को कि कम से कम आप 200 हेक्टेयर का अपने यहाँ इस टास्क को कंप्लीट कराइए या पानी को रोकने की कोशिश कीजिए। और तीसरा जो कथन है आपका, योजना का उद्देश्य वर्षा जल के बहाव को कम करना है। बिल्कुल आपका, इस योजना को बनाया ही इसलिए गया था कि वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके और जमीन में जो बंजर हो चुकी जमीन है उनके नमी को बढ़ाया जा सके, इसलिए इस योजना पर अभी क्रमवार तरीके से पहले चरण में ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का वो डी होगा, 1, 2 और 3। क्लियर है? तो इस तरह से आज हमने आपके साथ कुल 10 प्रश्न डिस्कस किया, जो सीरीज नंबर 2 था। सीरीज नंबर 1 में भी 10 प्रश्न है, अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये आपका लाइव सेशन आपका 7 PM से चलता है, कुछ कारणों की वजह से अभी लाइव हम नहीं आ पा रहे हैं, चूंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है इधर, इसीलिए लाइव सेशन में प्रेजेंट होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सेशंस मिलते रहेंगे। कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सही आंसर को देखिए। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जितनी ज्यादा मेंबर्स रहेंगे यहाँ पर उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही आप इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, और भी नए तरीके के हम लोग वहां पर प्रश्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू।